सबसे पहले खबर हवाना से, जहां पर एक यात्री विमान रनवे पर टेक ऑफ करते समय दुर्घटना का शिकार हो गया और इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस विमान में 104 यात्री और चालक दल के 9 सदस्य सवार थे। क्यूबा की सरकारी टीवी ने जानकारी दी है कि यह विमान हवाना से क्यूबा के एक शहर होलगिन जा रहा था। जानकारी के मुताबिक ये बोइंग 737 विमान था। ये विमान सरकारी एयरलाइंस क्यूबाना का विमान था और ये विमान टेक ऑफ करने के दौरान ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये दुर्घटना दक्षिणी हवाना के जोस मार्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सैंटियागो जी लॉस वेगस नामक शहर के पास हुई है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक इस विमान को क्यूबा की सरकारी एयरलाइंस क्यूबाना ने किराए पर लिया था और इस एयरलाइंस ने पिछले कुछ महीनों में अपने कई पुराने विमानों को सेवा से बाहर करने का फैसला किया है। इन विमानों को तकनीकी खामी बताकर सेवा से बाहर किया गया था। दर्दनाक हादसा हुआ है। टेक ऑफ करने के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 104 यात्री इसमें सवार थे, चालक दल के 9 सदस्य भी थे और हवाना से क्यूबा के होलगिन जाते समय यह हादसा हुआ। एक और बड़ा विमान हादसा, प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। हवाना से क्यूबा के होलगिन जाते समय बोइंग क्रैश हुआ है, 737 बोइंग क्रैश हुआ है जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत। बड़ा हादसा हुआ है। हवाना में एक यात्री विमान रनवे पर टेक ऑफ करते समय दुर्घटना का शिकार हुआ। आखिर कैसे यह हादसा हुआ, इन तमाम चीजों की तफ्तीश की जा रही है।